हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक। आज का हमारा टॉपिक है सेंसर। तो बेसिकली हम आज पढ़ने वाले हैं कि सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, देन कितने टाइप्स के सेंसर होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सेंसर, सेंसर्स का मतलब क्या है। ठीक है, अ सेंसर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारा सेंसर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग हम पर्यावरण में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी पर्यावरण में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम मेजर करने के लिए सेंसर्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, सेंसर्स को हम थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको ह्यूमन से थोड़ा रिलेट किया है। थोड़े कुछ आपको इमेजेस दिख रहे होंगे। तो बेसिकली जो ह्यूमंस रहते हैं उनके पास भी सेंसर्स रहते हैं। तो जैसे कि हमारी टंग है, ठीक है, तो हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, जो टेस्ट रहती है उसके लिए हम उसको यूज़ करते गए। जैसे हमारे ईयर है, ईयर हम साउंड कितनी तेज आ रहा है वो साउंड सुनने के लिए हम ईयर का यूज़ करते हैं। देन हमारी नोज़ है, नोज़ किस लिए यूज़ होता है, स्मेल के लिए। देन टच, टच इन द सेंस जो हमारी स्किन है, किसी ने हमको टच किया है तो हमें हमारे स्किन के माध्यम से हमको पता चलता है। देन जो फिफ्थ वाला है वो हमारा है आइज। आइज का यूज़ किस लिए करते हैं हम, कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है वो हम देखने के लिए हम हमारे आइज का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं थोड़ा अभी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, जो रोबोट में सेंसर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सेंसर के बारे में अच्छे से समझ पाए इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ इमेजेस, सेंसर्स की इमेजेस दिखाकर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के सेंसर है। वैसे तो मोस्ट ऑफ 100 के ऊपर, अराउंड 100 के ऊपर सेंसर्स अभी इंडस्ट्री में है। तो जो बेसिकल जो इंडस्ट्री में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं वो सेंसर्स हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, LDR सेंसर, स्मोक सेंसर, ये बहुत सारे सेंसर्स हैं। मैं वन बाय वन इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, वन बाय वन मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे LDR सेंसर। LDR सेंसर, तो सबसे पहले LDR सेंसर आपने देखा होगा आपके स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट जो आपके जो आपका एरिया है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट में मोस्ट ऑफ LDR सेंसर का यूज़ होता है। तो LDR सेंसर का वर्किंग कैसा रहता है, जैसे कि मतलब उस जिस पे अगर उस पे अंधेरा आ गया तो क्या होता है, स्ट्रीट लाइट तुम्हारा ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक, और जैसे ही उस पे प्रकाश गिरता है तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो बेसिक सबसे पहले हम देखेंगे LDR सेंसर। LDR सेंसर को ही हम फोटो रजिस्टर भी बोलते हैं। तो LDR सेंसर का जो हम पूरा नाम देखेंगे तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मीन्स मतलब ये जो हमारा LDR सेंसर है वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, लाइट पे। लाइट इन द सेंस डार्कनेस है या ब्राइटनेस है, उस पे हमारा LDR सेंसर डिपेंड है। तो बेसिक देखिए, फोटो रजिस्टर ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर आर लाइट सेंसिटिव डिवाइस मोस्ट ऑफन यूज टू इंडिकेट टू प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ लाइट और टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी। देखिए, जो मैंने आपको बताया सेम वही है, मतलब जो हमारी जो लाइट है उस पर हमारा LDR सेंसर डिपेंड है। अगर उस पर लाइट कितनी तेज पड़ रही है, उस पर लाइट है या नहीं, उसके उससे हम उसकी क्या इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड देख रहे हैं हम टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर आपको मतलब टेम्परेचर सेंसर के नाम से ही पता चल जाएंगे कि टेम्परेचर मतलब वो हमारा तापमान नापता है। तापमान इन द सेंस हमारा बॉडी का भी टेम्परेचर हो सकता है। देन जो हमारी धूप वगैरह गिरती है वो भी टेम्परेचर हो सकता है। देन हमारा सॉइल में कितना टेम्परेचर है वो भी हो सकता है। सो इसकी डेफिनेशन देखने जाए, अ टेम्परेचर सेंसर इज डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर, दिस कैन बी एयर टेम्परेचर, लिक्विड टेम्परेचर और द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड मैटर। ओके, मतलब तापमान सेंसर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह हवा तापमान, तरल तापमान का, ठोस पदार्थ का तापमान हो सकता है, जो मैंने आपको सेम बताया सेम वही है। देन थर्ड हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर अभी आपको यहाँ पे हमारी जो आईज है, ठीक है,
इसको हम हमारे आईज से रिलेट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जैसे हमारे दो दो आईज रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे उसका भी सेम अल्ट्रासोनिक सेंसर वैसे ही बनाया है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में बेसिक क्या रहता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ टारगेट टारगेट ऑब्जेक्ट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव एंड कन्वर्ट देन रिफ्लेक्ट साउंड वेव साउंड इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब क्या करता है, जैसे हमारा आइज का क्या यूज़ है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है वो हमारे आइज के कारण दिख सकता है। इसमें भी सेम वही होता है कि जो इसके सामने अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या कर सकता है, वो डिस्टेंस हमें बताता है कि यहाँ पे कोई तो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये एग्जैक्ट वर्किंग कैसा करता है, इसमें दो पिंस रहती है, इसमें बेसिकली चार पिंस रहती है। तो एक हमारी VCC पिन रहती है जो हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, देन हमारी रहती है एक ग्राउंड पिन जो हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, देन हमारी एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर पिन रहती है। ठीक है, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर पिन का क्या है, एक जो हमारा जो सेंसर है यहाँ पे, सपोज दो हमारी ये आईज है, ठीक है, तो ये एक आईज से क्या करता है, साउंड वेव भेजता है। ठीक है, अभी ये साउंड वेव भेजता है, देन उसके सामने अगर कुछ ऑब्स्टैक्ट आ गया, उसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, कुछ ऑब्स्टैकल इसके सामने आ गया है, तो जितने जहाँ से इसने साउंड वेव भेजे उसको वो क्या करेगा, उसको बाउंड करके वो रिफ्लेक्ट करेगा और ये रिसीवर पिन उसको रिसीव करेंगे, हमारा कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है वो हम इससे जान सकते हैं। ठीक है, ये आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर है। देन फोर्थ है हमारा IR सेंसर, IR मीन्स इंफ्रारेड सेंसर। तो IR सेंसर आपने मॉल्स में देखा होगा, जैसे वॉशरूम में एक मशीन लगी हुई रहती है हाथ सुखाने के लिए, जैसे आपके हाथ क्या रहते हैं, गीले रहते हैं, तो आप क्या करते हो, जो आपके हाथ गीले हाथ रहते हैं वो आप मशीन के नीचे लेके जाते हो, तो मशीन में IR सेंसर लगा हुआ रहता है, तो मशीन क्या कर, वो IR सेंसर क्या करता है, आपके हाथ को सेंस करता है, देन वहाँ से हॉट एयर पास करता है, वो हॉट एयर से क्या होता है, आपके हाथ जो है वो सूख जाते हैं। देन इसका IR सेंसर का और एक यूज़ देखा होगा कि जो लाइन एखादी सपोज लाइन रहती है, ब्लैक कलर की लाइन है, उसको वो फॉलो करते हुए, मतलब एक रोबोट है, वो लाइन फॉलोइंग के लिए हम IR सेंसर का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी कलर सेंसिटिविटी चेक करने के लिए भी हम IR सेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन अभी हम जो सेंसर हमने पढ़े, टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, IR सेंसर, देन LDR सेंसर, इसके हम वन बाय वन थिंकरकैड पे हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम स्टार्ट करेंगे कि थिंकरकैड पे LDR सेंसर का वर्किंग कैसा होता है, उसका सिमुलेशन। जैसे लास्ट सेशन में प्रदीप सर ने आपको सिमुलेशन के बारे में बताया था, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वहाँ पे हम सिमुलेट कैसे करते हैं, तो वैसे ही हम थिंकरकैड पे LDR सेंसर का सिमुलेशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, थिंकरकैड गूगल पे सर्च करेंगे, देन उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें डिज़ाइन क्रिएट करना है, न्यू सर्किट बनाना है, हमें न्यू सर्किट बनाएंगे, सर्किट पे क्लिक किया, देन अभी तुम्हारा ये ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, देन यहाँ पे हम जो वायर्स रहते हैं उसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो हमें LDR सेंसर्स के लिए Arduino Uno बोर्ड लगेगा, देन हमें लगेगा LDR सेंसर, उसके बाद लगेगा हमको रजिस्टर, देन एक LED लगेगा, और ये सब हम कनेक्शन करेंगे एक ब्रेडबोर्ड पे। ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे फर्स्ट एक LDR कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन अभी हम LED कनेक्ट कर लेते हैं साइड में, साइड बाय साइड। अभी हमें रजिस्टर यूज़ करना है, तो रजिस्टर को मैं थोड़ा टिल कर लेता हूँ। ओके, देन रजिस्टर को मैंने एक LDR के साथ में कनेक्ट किया, और एक रजिस्टर को मैं LED के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन जो हमारी LED है
उसको मैं डिजिटल पिन 10 नंबर से कनेक्ट, 10 नंबर से कनेक्ट कर लेता हूँ। देन जो हमारे नेगेटिव पिन है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे बेसिकली जो जे ग्राउंड पिन रहती है वो हमारे ब्लैक कलर की रहती है। देन अभी हमें क्या करना है, टर्मिनल जो सेकंड है जहाँ पे हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, एक एनालॉग पिन से कनेक्ट कर लेंगे। एनालॉग पिन इसलिए कि जो हमारा सेंसर जो रीडिंग देगा वो वन से लेके वैरी होते जाएंगे। तो इसको हम इसका कलर भी चेंज इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेंगे येल्लो कलर। देन अभी हमारा जो सेकंड टर्मिनल है, जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको हम VCC पिन से कनेक्ट करते हैं। VCC इन द सेंस 5 वोल्ट सप्लाई, इसको हम कितना सप्लाई देंगे, 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे। इसका बेसिकली कलर रहता है रेड कलर रहता है। ओके, ये हमारा हो गया, टोटल कनेक्शन हो गया। अभी हम देखेंगे इसकी कोडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है कोड में। यहाँ पे जैसे हम कोड ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक में बहुत सारे ऑप्शन, ब्लॉक में ब्लॉक प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट, तो हम करेंगे ब्लॉक कोडिंग। ओके, तो देन पहले जो यहाँ पे है इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बकेट है, इसको बकेट में। ओके, तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो हमारा सेंसर जो रीडिंग देगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जो नंबर्स रहेंगे उसको हम स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्रिएट वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल डालेंगे वैल्यू। ओके, देन इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद सेट वैल्यू टू एंड चेंज वैल्यू बाय सेट और चेंज। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको सेट को यहाँ पे ड्रॉप करना है। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, सेट वैल्यू टू 0। वैल्यू ये क्या अपन ने बनाया, वेरिएबल बनाया है। ठीक है, देन सेट वैल्यू टू 0। अभी ये 0 यहाँ पे हमें क्या लेना है, जो हमारी सेंसर्स जो पिन लगी है, जो सेंसर्स की कौन सी पिन लगी है, हमारी A0 नंबर की पिन लगी है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ इनपुट पिन है। ठीक है, इनपुट इन द सेंस वहाँ पे वो हमें रीडिंग देने वाली है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रीड एनालॉग पिन। ओके, अभी एनालॉग क्यों लिया है, क्योंकि हम ये एनालॉग पिन को कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे जो वैल्यू दिखाने वाली है वो 1 से लेके वैल्यू होने वाली है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसी वैल्यू होने वाली है। और डिजिटल में क्या रहता है, 1 और 0 ये दो ही वैल्यू रहती है, एक तो ऑन और ऑफ। बट एनालॉग पिन में हमारी वैल्यू बढ़ते जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है रीड एनालॉग पिन A0। देन अभी हमारे को ये क्या करना है, इसको प्रिंट आउटपुट में जाना है। आउटपुट में गए, देन यहाँ पे ऑप्शन नीचे ट्रैक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्रिंट सीरियल मॉनिटर हेलो वर्ल्ड। देन हमें इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, प्रिंट सीरियल मॉनिटर हेलो वर्ड विथ न्यू लाइन। अभी यहाँ पे आपको हेलो वर्ड प्रिंट करने का है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले होने को होना। तो हम वेरिएबल में जाएंगे, वेरिएबल में अपन ने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वैल्यू नेम से, तो इसको हम हेलो वर्ड की जगह लगा देंगे। ठीक है, देन अभी देखो क्या हो रहा है, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर वैल्यू विथ न्यू लाइन। अभी वैल्यू प्रिंट होंगी न्यू लाइन पे, बट कब, ये जो एनालॉग सेंसर हमारी जो वैल्यू रीड करेगा उसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अभी जस्ट हम इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं और यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करते हैं। देन देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जो हमने LDR सेंसर लगाया है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा माउस से इसको वैल्यू इसकी बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कैसा, मतलब वैल्यू वैरी होती जा रही है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे LDR सेंसर्स पे डार्कनेस है। ठीक है, तो डार्कनेस के कारण क्या है, हमें क्या करना है, इसका लाइट ऑफ रहने को ना, और जब इस पर मतलब प्रकाश गिरेगा, ठीक है, जब इस पर प्रकाश गिरेगा तो क्या करेंगे, अपन इसको ऑन करेंगे।
ओके, इसको तुम दोनों तरीके से भी ऑन कर सकते हो। अगर इस पे लाइट नहीं गिरेगा उस टाइम पे भी इसको ऑन कर सकते हो, और लाइट गिरेगा तो इसको ऑफ कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्ट्रीट लाइट का आपको एग्जांपल दिया है, उस टाइप से हम इसको ये कर सकते हैं। तो वो सिर्फ आपको कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसके लिए अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जब इस पे डार्कनेस रहेंगी तब ये क्या होगा, हमारा ऑफ रहने को होना, और जब इस पे थोड़ा प्रकाश गिरेगा उस टाइम पे हमारा एलईडी ऑन होने को होना। तो हम क्या करते हैं, कोडिंग को अभी कोडिंग में है तो हम इसको कंट्रोल्स में जाते हैं। कंट्रोल्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इफ और इफ देन एल्स का ब्लॉक लेंगे। ओके, इफ देन एल्स का ब्लॉक इसीलिए क्योंकि देखिए इफ इफ हमारी जो भी वैल्यू प्रिंट होंगी अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो हमारी कंडीशन ये रन, इफ वाला ब्लॉक रन होगा। अगर कंडीशन हमारी रॉन्ग है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। ठीक है, अभी इफ के बाद यहाँ पे एक ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैथ ब्लॉक लेना है। मैथ ब्लॉक में हमें ये ब्लैक सेकंड वाला ब्लॉक लेना है, इसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इफ के साइड, इफ वाले ब्लॉक के साइड में हमें लगा देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वन दिखा रहा है बट हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लेना है। ठीक है, वैल्यू देन अभी यहाँ पे हमारे नोटेशन से लेस देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू देन ग्रेटर देन। अभी देखो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लेता हूँ। अभी क्या हो रहा है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, बट अपने को वैल्यू कितने दिखा रही है, फर्स्ट जब डार्कनेस है तो 6 वैल्यू दिखा रही है। हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 300 लेते हैं। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 300 देन अभी क्या होगा, हमारा एलईडी हमको ऑन कर रहा है। तो एलईडी हमने कौन से पिन नंबर पे कनेक्ट किया है, 10 नंबर पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे आउटपुट में, आउटपुट में अभी देखेंगे यहाँ पे सेट पिन हाई और यहाँ पे लो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन लेंगे यहाँ पे हम, देन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम पिन नंबर 10 लेंगे और इसको हाई रखेंगे। देन इसको अभी डुप्लीकेट इसका क्रिएट करेंगे, इसका डुप्लीकेट एल्स में लगा देंगे और इसको कर देंगे हम लो। ओके, अभी हम स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। अभी वैल्यू देखो कितनी दिखा रही है, 6। देन अभी इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा माउस से हम इसके वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे हम इसके वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लाइट हमारा ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब वैल्यू जो हमारे 300 के ऊपर रहेंगे तो हमारा एलईडी ऑन होगा। अदरवाइज वैल्यू अगर मेरी 300 से कम रही तो उस टाइम पे मेरा एलईडी ऑफ रहेगा। ओके, अभी इसको चेंज भी कर सकते हो तुम। देखिए जब डार्कनेस है तो इसको हम क्या करेंगे, हाई की जगह इसको लो कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, इसको लो की जगह उसको हाई कर देंगे। अभी इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, वैल्यू ग्रेटर देन 300, अभी 300 से वैल्यू ग्रेटर है क्या, नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, हमारा एल्स वाला ब्लॉक रन हो रहा है। अगर वैल्यू मेरी 300 से ग्रेटर होंगी, वैल्यू मेरी 300 से ग्रेटर होंगे तो देखिए कौन सा ब्लॉक रन हो रहा है, इफ वाला ब्लॉक हमारा रन होना है, रन हो रहा है। ओके, इसको आप स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो एलडीआर सेंसर का है वो सिमुलेशन प्रोसेस देखा है, कैसा होता है कैसे नहीं। देन हम अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का वर्किंग कैसा होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।